हेलो प्रेज द लॉर्ड मॉर्निंग अगेन दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति तारीफ़ और जय जयकार अ ग्रेट ब्यूटीफुल वंडरफुल डे वी हैव ये जो दिन परमेश्वर ने दिया इस दिन के लिए धन्यवाद करने वाले बने हम परमेश्वर आप सर मुझसे चाहता कि हम धन्यवादित रहें वो करें जो परमेश्वर की मर्जी में है ऐमेन आइए शुरुआत करते हैं आज के दिन को प्रभु परमेश्वर के नाम में ऐमन यू नो एवरी डे वी है लॉड ऑफ थिंग्स इन आर लाइफ हर दिन बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन एक चीज़ हमेशा एक ही होनी चाहिए हमारी संगति परमेश्वर के साथ समाइम लोगों को लगता है कि संगति जो करते हैं हम आराधना प्रार्थना मॉर्निंग प्रेयर मॉर्निंग बाइबल रीडिंग और समथिंग जो भी कुछ जो भी तरीका है आपका हम पैदल चलते समय मैं भी आराधना करता हूँ उठते बैठते जो भी समय होता है लेकिन जो जैसे भी करता है उस संगति में अगर वो किसी भी रीति से ये फील कर पा रहा कि नहीं अब शायद मन ठीक नहीं है नहीं हो रहा प्रार्थना का मन और बैठा नहीं जा रहा प्रार्थना का आज मन नहीं है आज मैं थोड़ी देर तक रह सोता हूं या मैं ये कर लेता हूं या वो कर लेता हूं ये बातें बुरी नहीं है लेकिन ये बुराई पैदा कर देती है ये आपके लिए समस्या पैदा करती है वाई गॉड वॉन्ट्स यू टू बी हैव अ ग्रेट एंड गुड टाइम विद हिम परमेश्वर क्यों चाहता है कि आपके पास एक अच्छा और उचित समय परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हो ताकि वो आपको डिसाइपल कर सके आपको व्यवस्थित कर सके बहुत समय से मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ और मैंने डिसाइपलशिप को ऑब्जर्व किया आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिश्चन डिसाइपलशिप क्रिश्चन डिसाइपलशिप इज़ द ईजिएस्ट डिसाइपलशिप इन दिस वर्ल्ड आसान है शैतान की जो डिसाइपलशिप है ना वो बहुत कठिन है लेकिन शैतान वो कराता है लोगों से और लोग बड़ी खुशी से करते हैं जद्दोजहद से करते परमेश्वर की आराधना सकड़ा मार्ग है जो आगे जाकर चौड़ा होता है लोगों को ये सकड़ा मार्ग समझ नहीं आता जब तक कि वो उस चौड़े मार्ग में सकड़े मार्ग से होकर पहुँच ना जाए पर मैंने ऐसी बहुत सारी एक्जैंपलशिप देखी है जो लोगों को हर हद तक तैयार करते हैं उनके नजरिए से वो बेहतर उत्तम है और कुछ मायनों में शारीरिक और कार्नल लाइफ के लिए सांसारिक जीवन के लिए ठीक है बट वट अबार द स्परिचुअल लाइफ स्परिचुअल लाइफ लोग बात करते हैं लेकिन स्परिचुअल सिर्फ वहीं से हो सकता है जहाँ आत्मा है बाकी सब बातें तो व्यर्थ की हैं जो कि वाकई में आपकी और मेरे लिए नहीं है सो वी शुड नॉट टॉक ऑल दीज थिंग्स इवन वी शुड नॉट कीप इन माइंड चलिए जब मौका है तो ज़रूर बात करें इस बारे में ताकि हम सीखें आई एम टॉकिंग अबाउट द वल्ड पीपल दुनिया के लोग उनके बारे में बात कर रहा हूँ और दुनिया की सोच के बारे में बट वाट द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर का वचन आप सर मुझसे क्या बात करता है आज हम पढ़ेंगे ये की पुस्तक उसका फोर्टी सेवन चैप्टर वेल स्टूडियो अपडेट अभी आप देख रहे हैं ये विजनरी रेडियो टीवी का रेडियो रूम है यहाँ से रेडियो लाइव होगा रेडियो प्रोग्राम्स होंगे और अभी भी ये पूरा नहीं है अभी कुछ बाकी है प्रभु सहायता करे वो भी जल्दी पूरा हुआ प्रभु की योजना इसके लिए पूरी हो काफी चीजें बाकी हैं जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया लेकिन तब भी बड़े बड़े खर्चे और बड़ी बड़ी चीजें हैं खर्चे इन द सेंस काम बहुत पड़ा है ओके okay, यही बात का अर्थ है आइए मंदिर से बहता सोता जो हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्टी सेवन में प्रभु सहायता करे कुछ ही दिनों में ये सब कुछ पूरा हो जाएगा तो ये जो सोता जिसकी बात हम कर रहे हैं ये सोता और उमड़ता रहे ये औरों के लिए भरता जाए चैप्टर फोर्टी में लिखा है पहले वचन से फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और, और वेदी के दक्षिणी ओर नीचे को से निकलता था तब वह मुझे उत्तर के फाटक के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला तब उसने भवन से लेकर हजार हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था उसने फिर हजार हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था फिर और हजार हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था तब फिर उसने एक हजार हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था तब उसने मुझसे कहा मुझसे पूछा हे hey, मनुष्य के संतान तूने क्या देखा है तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं तब उसने मुझसे कहा यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा जहां जहां यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के अच्छे अंडे देने वाले जीव जंतु जियेंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एलेग्नेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा वे खारे ही रहेंगे नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और ना उनका उनका फल फल ना भी कभी बंद ना होगा क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे आप शायद सोचते हो कि इस पैसेज का क्या अर्थ है बहुत बड़ा अर्थ है यह तो इस पैसेज का अर्थ बहुत अच्छे से समझता है हालांकि जब मैं आगे पढ़ूंगा तब तो आपको समझ में आएगा लेकिन इस पैसेज में एक जरूरी चीज है जरूरी बात क्या है वट एवर कम्स फ्रॉम द लॉर्ड जो कुछ परमेश्वर के से आता है वो उत्तम है यहाँ तक कि पेड़ के पत्ते भी और पेड़ में फल हर महीने लगेंगे हर बार उसे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आप जब पेड़ के पास जाते हो आम के आपको पेड़ नहीं पेड़ पे आम नहीं मिलते आप निराश हो जाते हो आम का पेड़ है तो आम देना चाहिए पर उसका सिर्फ एक सीज़न है और उसी सीजन में वो देगा लेकिन यहाँ ऐसे पेड़ हैं जो हर समय हर बार हर महीने फल देने वाले होंगे नए नए फल आएंगे मतलब एटलीस्ट आप मान के चलो फिफ्टीन से ट्वेंटी डेज उसमें फल तोड़कर खाने लायक होंगे और एटलीस्ट पंद्रह दिन खाने लायक फल का समय रहेगा कि आप उसे खाएं तोड़कर खा सकें और ये एक नहीं है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फल हैं तो यानी कि आप जब भी वहां पर जाएं आपको नया फल खाने को मिलेगा अलग अलग चीजें ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है यहुआ की ओर से आशीष की तौर से आ रही है किसके लिए जो परमेश्वर के डरवे हैं उनके लिए इसका अर्थ भी आगे बताया जाएगा लेकिन एक चीज समझने वाली बात आज के समय में जो कोई परमेश्वर के साथ बैठा है जैसे मैंने पहले कहा हम जब परमेश्वर के साथ संगति करते हैं यही संगति हमारे लिए आनंद और आशीष है भर भरपूर परमेश्वर की ओर से मार्ग है हम जिनको लगता है कि नहीं होगा अभी किसी ने मुझसे मैसेज किया और कहा पहली बार मैसेज आया कोई नाम नहीं है अक्सर लोग यही करते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दो ना नाम बताया ना जगह बताई ना प्रॉब्लम बताई बस पास्टर जी प्रार्थना कर दो पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो भाई मैं कौन हूँ मेल है फीमेल है बच्चा है बूढ़ा है जवान है मैं किस नजरिए से प्रार्थना करूँ मैं प्रभु नहीं हूँ आई नीड अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अ नेम ऑफ द पर्सन जिससे मैं उसका जेंडर अंदाज लगा एंड आई नीड लोकेशन आई नीड सम्मेशन सो मैं किसी व्यक्ति को इमेजिन करके उसके लिए प्रार्थना कर सकूँ मान लीजिए किसी स्त्री ने मुझे मैसेज किया और मैं कहूँ कि प्रभु इसके जीवन में आशीष कर मैं किसी पुरुष ने आशीष दिया मैं कहूँ कि तेरे बच्चे फले फूले भले उसकी शादी हुई नहीं है कैसे पता चलेगा <laughs> ऐसे बहुत से लोग आते हैं एक ने मुझे मैसेज किया उन्होंने कहा कि वासु जी कुछ भी नहीं हो रहा है और मेरे लिए प्रार्थना करें मेरी सहायता करें सब कुछ खत्म हो रहा है शादी निकट है और बच्चे की शादी के लिए ये सब कुछ करना है कुछ पैसा नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है बहुत कुछ उन्होंने बता दिया और ना तो प्रे रिक्वेस्ट है इट इज़ लाइक इन्फॉर्मेशन है ना गव एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन है और ना वो प्रेयर रिक्वेस्ट है ना कुछ मैंने उन्हें जवाब दिया मैंने परमेश्वर के वचन से उन्हें बताया जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उनकी आशा जाती रहती है यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तो आपके जीवन में परमेश्वर मार्ग खोलेगा और मैंने कहा शायद आपको ये बात बुरी जरूर लगेगी लेकिन यकीन मानो अगर बात समझ में आएगी तो आप शांति पाओगे एंड वी ऑल नीड दैट मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ जो परमेश्वर के साथ बने हुए हैं उनके लिए परमेश्वर की ओर से जो सोते बहेंगे वो भरपूरी से होंगे और कभी खाली ना जाएंगे वर्ष थर्टीन देश की सीमाएं परमेश्वर यह हुआ यूं कहता है जिस सीमा के भीतर तुमको यह देश अपने बारह गोत्रों के अनुसार बांटना पड़ेगा वह यह है यूसुफ के दो भाग मिले उससे तुम एक दूसरे के समान निज भाग में पाओगे क्योंकि मैंने शपथ खाई कि उसे तुम्हारे पितरों को दूंगा इसलिए यह देश तुम्हारा निज भाग ठहरेगा देश की सीमा यह हो अर्थात उत्तरी ओर की सीमा महासागर से लेकर हथलोन के पास से सदाद की घाटी तक पहुँचे और उस सीमा के पास हमात बेरोता और सिब्रेम जो दमिश्क और हमात की सीमाओं के बीच में है और सरसकीत का तक जो हारोन की सीमा तक है यह सीमा समुद्र से लेकर दमिश की सीमा के पास सहरसोन सहरनोन तक पहुँचे और उसके उत्तरी और हमात हो और उत्तर की सीमा यही हो पूर्वी सीमा जिसकी एक और हैरान दमिश्क और यर्दन की ओर गिलाद और इसराइल का देश हो उत्तरी सीमा से लेकर पूर्वी ताल तक उसे मापना पूर्वी सीमा तो यही हो दक्षिण सीमा तामार से लेकर कादेश के मरीबोध नामक सोते तक अर्थात मिस्र के नाले तक और महासागर तक पहुँचे दक्षिण सीमा यही हो पश्चिमी सीमा दक्षिण सीमा से लेकर हमाद की घाटी के सामने तक का सागर हो पश्चिमी सीमा यही हो इस प्रकार देश को इसराइल के गोत्रों के अनुसार आपस में बांट लेना इसको आपस में और उन प्रदेशियों के साथ बांट लेना जो तुम्हारे बीच रहते हुए बालकों को जन्माएं वे तुम्हारी दृष्टि में इसराइलियों के समान ठहरें और तुम्हारे गोत्रों के बीच अपना अपना भाग पाएं जो परदेसी जिस गोत्र के देश में रहता हो उसको वहीं भाग देना परमेश्वर यह की यही वाणी है अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर ये यह जो सारे पैसेजेस हैं ना बहुत क्लियर और बहुत सिंपल है लोगों से गलतियाँ होती हैं और गलतियाँ करके वो पछताते हैं इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर परदेशियों के लिए क्या व्यवस्था है वो बताई और साथ ही साथ परदेशियों के लिए जमीन भी ये नहीं कि जा वहाँ ज़मीन है तेरे लिए तो यहाँ तो अभी कोई ज़मीन नहीं मिलेगी तुझे ऐसा नहीं है सो दिस इज़ वार यू नो क्लियर हालांकि उन दिनों परिस्थितियाँ भी अलग थी ज़मीन आसानी से मिल जाती थी और पड़ी होती थी जा वो ज़मीन तेरी और वो जमीन तेरी ये हो सकता था और हमारे भारत में भी और पूरी दुनिया में ये हुआ लेकिन अब अब ये नहीं है अब ये समझने वाली बात है और ये देखने वाली बात है देश की सीमाएँ परमेश्वर यह हुआ बाट रहा है मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको आप नाप लो यहाँ पे हज आ, दो बीघा जमीन नाप लो खाली जमीन है आप दो बीघा जमीन नापने के लिए आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ तक बांधनी है परमेश्वर ने एक सीमा ठहराई यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीधा पड़ रहा है उसको नाप लो और वो तुम्हारा हिस्सा ठहरेगा वो तुम्हारा रहेगा दैट्स द गॉड इज गिविंग पॉइंट टू पॉइंट इंच बाई इंच एंड स्टेप बाई स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट पीपल हु फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन में हैव पीस एंड रेस्ट इन देर लाइफ परमेश्वर ने आ, पाँव दर पाँव कदम दर्द कमर सब चीज़ों की व्यवस्था कर दी और जो परमेश्वर की अनु आज्ञा का अनुसरण करता है वो प्राप्त करता है वो स्थान जो परमेश्वर ने रखा है एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट ए मैन हर दिन हर वक्त हमारी जिंदगी की शुरुआत परमेश्वर प्रभु यहुआ के नाम से होनी चाहिए और जितने ये करते हैं वो परमेश्वर से बहुत आयत से आशीष पाते हैं आई बिलीव आप भी रोज यही करते हैं इसीलिए तो आप संगति करते हैं क्योंकि प्रभु की प्रेरणा इस संगति में है सम पीपल मे नॉट लाइक द प्रोग्राम बट यस दीपुल आर हंग्री फॉर द लॉड लोग जो परमेश्वर के लिए खोजी हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह को और तया को प्रोग्राम के द्वारा वचन के द्वारा संगति के द्वारा प्राप्त करते हैं हेमैन मे द ब्लैसिंग ऑफ गॉड कम अपॉन यू कल फिर मुलाकात होगी प्रभु की स्तुति एक साथ होगी हेमैन लेट्स प्रे फॉर द लॉड थैंक यू फॉर मर्सी थैंक यू फॉर ग्राइटनेस थैंक यू फॉर यव प्रभु मेरे भाई बहन उनके परिवार को तो आशीषित कर और मैं तो बलवंत कर एक अच्छा समय तेरे वचन के साथ बिताते हैं आशीष पाए बल पाए तेरी कृपा को पाए के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु आशीष करें फिर मुलाकात होगी की।, की इस खूबसूरत दुनिया के अलग अलग चेहरे कोने कोने के चेहरे इस देश के चेहरे उस देश के चेहरे चेहरा कोई भी हो लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ ये शुमसी के नाम के कारण ही होती है